होम गार्ड है, अखिल है, अच्छा स्त्रियाँ की हैं जो, अच्छा उसमें जाके दर दिया है, भाजपा ने मायूस बनाया है। दाने लो, लाइन में लागो, इनको मजबूत बनाओ, पब्लिक को के परिपूर्ण बनाओ, पब्लिक को नौकरी जो, रोजगार जो, सथाई, उससे काम चलेगा, ना कि इसमें लाइन में लाग के दाने ले डम। अरे दुष्यंत चौटाला तो ला ले, रंग बदला तो कसूता बदला उसने, सारा सौदा मान के चलना सोचा था भाई, यो भी पक्ष में जाके कि मन के में करेगा, यो ही भाजपा में जा खड़े आई और बन जा, कौन को आ जा नया नेता लगड़ जाएगा, वो भी जाके फिर ओड़े झोले में बैठ जाएगा। के है आपके मुद्दे लुकाउन खातर, आपके वह भ्रष्टाचार लुकाउन खातर बीजेपी में जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आपने बताया बिंदास हरियाणा का चुनावी सर्वे जो नारनूंद विधानसभा के जो खेड़ी चौपटा है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बार दिखा दे, चौक दिखा दे भाई, खेड़ी चौपटा का चौक के आसपास मौजूद है। और आपने बता दें लगातार जो जनता है वो भी चुनाव को लेकर चर्चा जो शुरू कर चुकी है, बातचीत करवा देंगे आज भैया भाई। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ नौजवान साथी बैठे हैं। नमस्कार भाई, सब ठीक ठाक हो? राम राम भाई, राम राम। क्या कुछ लगा है? आपने बता दें आपने बेरा भी होगा, 10 साल के आसपास बीजेपी में हो गए, 5 साल गठबंधन में चली, 5 साल निरोली चली, एकली चली, क्या कुछ 10 साल में क्या कुछ अच्छे काम हुए हैं, कौन से काम जो होने चाहिए थे और नहीं कर पाए? अच्छा तो बेरा नहीं भाई, माड़े तो इसने सरकार ने इसे करे, बेरोजगारी तो 10 साल हो गए, 60,000 काटा है वैकेंसी और कौशल में घेड़ दे हैं इनने भाई साहब, जे सी का है नहीं है, पेपर करवाए के नौकरी लाए दे 60,000 बड़का ने, तो इनका कि मैंने बात लाए जी की नहीं, एक तरफी कांग्रेस आओगी भाई, और अपने इलाके में तो कांग्रेस का जोर है, दोनों सा इलाके में इनका बीजेपी का है कुछ है, जो नौकरी नहीं लाई नहीं भाई बीजेपी कड़ा साफ से सीधी बात से आए। इसी के साथ में हम बात कर लें, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल है, जेजेपी है, कांग्रेस है, तो इन दो अलग पार्टी रहेगी, उनका क्या कुछ रुझान है? कुछ रुझान को नहीं भाई, जेजेपी तो खत्म से, जो सा आदमी दल बदल गया नहीं उसका बस की बात को नहीं कुछ भी। अच्छा। जेजेपी खत्म से, इन्हें लोगों को 10-1% वोट हो गए, नहीं बाकी कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर होगी, टक्कर भी जब होगी, जब भाई 60,000 वैकेंसी है भर्ती पूरी कर देगा, पक्के कर्मचारी लाए देंगे कौशल में नहीं भाई, जो कौशल में लाओगे नहीं तो समझ ले बीजेपी साफ से कल हरियाणा में है क्लियर। ये देखा तो जैसे लोकसभा चुनाव हुए हैं, 5 सीट कांग्रेस जीत गई, 5 में बीजेपी रहेगी, इसके बाद में बहुत सारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री स्कीम योजना लेके आने लग रहे हैं, उन योजना में चुनाव के अंदर फर्क पड़ेगा या फिर वैसी चीज़ें रहने वाली हैं? भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर एक परिवार में तो एक आदमी ने रोजगार में लगा तो परिवार वहीं सुधर जाएगा, दाने लेने की किसने ज़रूरत है, अगर रोजगार मिल गया तो दाने की जरूरत को नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये झूठे ढकोस ले आता है, ये धरातल पर काम नहीं कर रही बीजेपी, कागज कागजा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ में बात कर रहे हैं, राम राम, तो ठीक ठाक हो? राजी खुशी जमा, राजी खुशी भाई। क्या कुछ लगा है कि भाई हरियाणा का चुनाव है जो विधानसभा का वो आने वाला है, कौन सी सरकार का रुझान जाते नजर आ रहे हैं? कांग्रेस का नहीं भाई, की कारण है कांग्रेस से ही जरूरी हो रही है? जरूरी हो रही है, इनकी तंग बनाई दी जमाने के, तो कागज नहीं समझे मारो बताओ। अच्छा तो जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो एक चीज कहोगे भाई, हमने जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे थे मेरिट लिस्ट पर हमने बालक लाए हैं, और खर्चे और पर्ची जो पिछली सरकारों में चलिया करती वो हमने खत्म कर दी है। केक लाए इनकी 10,000 रुपया नौकरी लाए और गेर दी उत्तराखंड में ले जाएगी केक, कुछ नहीं उनकी सैलरी कर देनी कुछ नहीं, इनकी तो तंग बनाई दी जमा, सारे बच्चे बेरोजगारी है, अग्निवीर वाले चलाए दी 4 साल की, के होगा इसमें उग्रवादी बनेंगे इसमें बच्चे। तो एक बात कराएं, जो किसान आंदोलन 1 साल तो ऊपर तक चला था, दिल्ली के बॉर्डर में किसान बैठे रहे थे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, क्या कुछ लगा है जो विधानसभा हरियाणा का चुनाव आने लग रहे हैं उस चीज़ से भी कोई फर्क पड़ सके, कौन पड़ सकता? पूरा फर्क पड़ेगा, कांग्रेस समझ जाएंगे सारे वोट इनके। अच्छा हाँ, एक तरफी कांग्रेस आओगी जो, तो कांग्रेस का आइडिया। तो ये फिलहाल बात कराँ तो आसपास में आप खेड़ चोपटा फिलहाल मौजूद हाँ, हम रास्ते तो होता है होते हुए आए हाँ, अपने अपने बातें जो राय लेने लग रहे जनता की। इसके साथ में जो बात कहूँ, एक पीला कार्ड जो सरकार को कि हमने पीला कार्ड बना दिया, फ्री में जो गेहूँ हैं, चावल हैं, जो भी चीज़ें हैं उपलब्ध कराना जनता ने, राज्य रखा भूखे को नुमरण दिया, और दूसरी बात आयुष्मान कार्ड बना दिया कि भाई कोई बीमार हो जाए है उसका इलाज भी 5 लाख तक हम करने लग रहे हैं। कुछ को नहीं है, चल दे कहते हैं बढ़िया अस्पताल में चल दे नहीं, यू लागू को नहीं इसमें वो प्रो फंडा बनाए रखे है हिंदी, कुछ नहीं ऐसी बात। अच्छा अच्छा हाँ,
कहीं ना कहीं बदलाव की जो माहौल लग रहा है। हाँ बदलाव होगा इसका पक्का, हरियाणा में कांग्रेस आएगी। हाँ जी हाँ बताओ क्या कहते हैं। ये गेहूँ चावल जमींदार का हुआ, ये के बांडा का जमींदार इतनी देर ले रहे हैं मोदी ने, जमींदार जमींदार बिना के मोदी पे इन्हें के दाने लेके इन्हें बांटने ले रहे हैं, प्रोपगंडा क्यों कर रहे हो। फिर इसी के साथ मैं बात करा तो इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD क्या कुछ लगा है तो ज़्यादा पड़े पड़िया करते इसके वहाँ भी नहीं आते कौन छोरी चौथ खा हुआ है। अच्छा और जो किसान नीति की योजना थी उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है मोदी की, वह वही कुनांदी कौन हेरा फेरी कर रहे हैं। अच्छा ये कागते इतने कर दिए कौन फिर रोंदा 2000 है तेरे। इसके साथ में लक्षण माड़े है थी इसकी पड़िया के है रे सड़ा पलंग से हो ये बैंड क्यों दे पब्लिक ने आगे बोल ला रहा बुरे कर्म ला रहा करना ये आगे बुढ़ापा ठीक कट जाएगा इसके जो जनता ने तंग नहीं करे तो इधर बाबा बुरा काम है रहा इसका आठ तक होनी इसका है। इसके साथ में जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसके नेता है अभय सिंह चौटाला, वो भी कोई किसान ना खतरे वो कह रहे कि किसानों के लिए हमने इस्तीफा दिया था सबसे पहला हक मारा है जो किसान ने वोट हम लिया। कांग्रेस के भी जिदे आयक होगी जिद इन मेरा बेटा कांग्रेस ने बस तो कई दिन कई साल में आओ तो रिंगा आओगे नहीं तो ना ज़्यादा कांग्रेस वाले रिंग दे फिर है और मोदी ने इन मेरा बेटा पब्लिक के चीज़ से। हाँ जो अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था उसका क्या कुछ वो सब फाइल लिए ऐड दे गए जो कोल्लू पटे कुत्तर गए सारे ऐड दे। अच्छा और तो दुष्यंत चौटाला भी कहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा कोई ये बन गए लक्षण गए इनके जो सारे इन बेटे ऊपर गए लग जाए सारे कृष्णु छात्र थूए लिपरे भैन चौदह और फिर भी धोखा दे गया इनकी अड़े कुछ नहीं बनता बैठ जो गया नहीं टाटी पड़ गए अड़े को नवा युवा होगा नहीं यार बढ़िया छोरा होगा वो बना गए ताऊ तो बातचीत और करवा देंगे। राम राम ताऊ ठीक ठाक हो और क्या कुछ लगा हरियाणा में कौन सी सरकार है इसके भविष्य में। भाई भाजपा तो रोजगार का मामला में पूरी पिछड़ गई। अच्छा रोजगार का मामला में पूरी पिछड़ गई। अच्छा 20,000 JBT की 10,000 पटवारी 15,000 कंडक्टर है ड्राइवर है निकलिया कर दे बता कोई वैकेंसी। अच्छा। होमगार्ड है अखिल है अच्छा स्त्रियाँ की हैं जो अच्छा उसमें जाकर दर दिया हैं भाजपा ने मायूस बनाया है। दाने लो लाइन में लागो इनको मजबूत बनाओ पब्लिक को के परिपूर्ण बनाओ पब्लिक को नौकरी जो रोजगार जो सथाई उससे काम चलेगा ना कि इसमें लाइन में लाग के दाने ले डम। तो भाजपा सरकार कह रही कि जैसे 18,000 पीछे ग्रुप डी की नौकरी दी उसके बाद में पुलिस की नौकरी निकाली बहुत सारी नौकरियां निकाली और खर्चे और फर्ची जो पहले चला करते थे पहले सरकार में पीछे दे लिया करते कहीं ना कहीं वो बंद होगी। जो नौकरी नाम है नहीं वो तो भाजपा ने दिया है नहीं। भाजपा तो होमगार्ड है अखिल है अच्छा डी वर्ग है अच्छा इस ताई सीमित रखा है दिया दाया कुछ नहीं। रोजगार का मामले में बिल्कुल नकारी गई या भाजपा सरकार का इतने लंबे टाइम तक राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ था हमने राम मंदिर बनवा दिया। ना 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 ये तो फिर कुछ नहीं राम मंदिर क्या है राम मंदिर तो कुछ नहीं राम मंदिर कहीं ना कहीं उसका जो मुद्दा है हरियाणा में नहीं चलने वाला। ना 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 कहीं भी नहीं चलेगा वो। तो अब की बार आप जैसे वोट करो विधानसभा के अंदर क्या कुछ मुद्दे लेके सोच के वोट करोगे। सोच के वोट या करांगे भाई एक तो रोजगार का मामला में हमारा पसंद को नहीं भाजपा तो और कांग्रेस भी देखी देखी है कांग्रेस भी न्यू करके क्यों अकिस्ती घना चैब लिया सौदा भाजपा ने न्यू करके कांग्रेस का लोग अलग गए हैं दिखा कांग्रेस है कि मैं अपना दिखाई दे रुतबा और नहीं कांग्रेस देखी है हमने 70 साल के। हाँ तुम हरियाणा मुख्यमंत्री किसने देखना चाहोगे। मायावती का जो राष्ट्रीय पार्टी है अच्छा हमें तो उसकी चाहूँगा और सारे देख लिए ठीक सब देख लिए। राम राम भाई सब और ठीक ठाक हो भाई। युवा हो क्या कुछ लगा है हरियाणा के अंदर जो नौकरियां हैं युवा ने कितनी कहे 10 साल के अंदर मिली हैं। भाई नौकरी तो है कौन किसी दौर भी दिहाड़ी करें सारे को बाहर जाके करे है को भीतर के करे को विदेशों में भेज के करे है सारे के दिहाड़ीदार बनाए रखे हैं नौकरी न के नौकरी बस ये सीधे नु है बस जो से जमींदार कवा करते नहीं वहीं भी अपने राशन कार्ड लेके ना कोटम बेचे हैं
पहले सारा ही वर्ग ऐसा बनाया जाए, चाहे नौकरी वाला हो चाहे कौन सा हो, किसी ने कुछ नहीं। हाँ तो फिर थाले बिठा रखे सारे जमा। हरियाणा सरकार की एक बात कहनी है कि भाई जो पिछली सरकार में खर्चे चल रहा करती, यानी पीछे देखे लग गया करते, हमने मेरिट पर लाने शुरू कर दिए, सिफारिश चल रहा करती, सिफारिश मनते को नहीं मेरिट पर चल रहा होगा, रोज नौकरी लगेगा भाई। ईसा कड़िया कुछ को नहीं होता, ये तो बैम्स है भाई। जार बाल कम तो एक दो तो भी लग गया कर है, वो सारी सरकार हम लागे हैं। इन मतलब सरकार ने तो मान ले एक नौकरी दी है को नहीं है, किसने नौकरी दे रखी है? ग्रुप डी की नौकरी हो है, वो तो भाई मरदा आदमी पंजे कड़े कौन मरदा, बाट आज कि नहीं तरण के है, नहीं लंगड़ा भी करे भाई, बस वो मरदे जा रहे हैं कड़ियाँ अपने दिहाड़ी करना है। विदेशों में भाजने तुम्हें पता 35 लाख रुपये दे के ना विदेशों में भाजना कोई तुक् नहीं होता, बेरोजगारी तंग रखे डोंकी मार के भाई, डोंकी कह जैन जोखिम में गिड़ के जाओ नहीं तो आदमी मरदा जाता होगा, हूँ कोई कौन जाओ भाई, किसी ने घर छोड़िए कोई राज्य को नहीं, मजबूरी उनकी जो उरा रोजगार नहीं बनता, उरा काम नहीं बनता, काम करने लाई जाए उनकी हासी करने लाई जाए तो बैर भाजना पड़े भाई, मजबूरी उनकी। हाँ भाई साहब क्या कुछ लगे है जो अगली सरकार है जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपका क्या कुछ युवा का मुद्दा रहेगा कि भाई हम उस सरकार ने वोट दें कि वह सरकार युवा के लिए नौजवाना खातर अच्छी योजनाएं ले सके है, अच्छा काम कर सके है? भाई सरकार तो जो नशिया है जो यो नौजवाना अंदर आना नू है, जो पहला भी कांग्रेस का भी राज रह लिया, ये भी इनका भी है लिया, करदा नहीं कौन सा भी भाई जी, दूसरा भी साफ नेता देखा है नहीं, उसे ही वोट दे हो जाएगा ना एन डी पैकेज है सारे है लिए बड़ा तजमा रंग बदल से। अरे दुष्यंत चौटाला तो ला ले रंग बदलिया तो कसूता बदलिया उसने सारा सौदा मान के चलना, सोचा था भाई यो भी पक्ष में जाके कि मन के में करेगा, यो ही भाजपा में जा खड़े आई और बन जा कौन को आया जा नया नेता लकड़ी जगह वो भी जाके फिर ओड़े झोले में बैठ जाएगा, के है आपके मुद्दे लुकाउन खातर, आपके वह भ्रष्टाचार लुकाउन खातर बीजेपी में जा रहा है या जड़ ला ले बीजेपी है नहीं भ्रष्टाचार की जड़ है नू को नहीं भाई जमा भाई, इसते तो सारे काम बढ़िया करें 100% काम मत मान के चल, 10% ठीक है, 90% सारे गलत हैं इसके भी। हाँ बीजेपी थी तो बैठा बिठा दिया भाई, वो कहीं जाए कोरोना का काल में 90-95-98% नंबर आ रहे हैं बड़कों का, जब वह पढ़ते होंगे नहीं उनका और बस 40-45% और जब ये बूंदी नौकरी पिलान लग गए तो लाओ डाकखाना में, बस वह 95% वाले बालक भी डाकखाना में नौकरी मिल रही है, और वहाँ जाएगा ना कौन अदर स्टेट में मान के चल 20-22 हज़ार रुपये में अदर स्टेट में कोई जावे नहीं के बचा है, सारा टाबर ने छोड़ दिया और 20-22 हज़ार खातर कोई फिर है नहीं, कुछ नहीं बचता उसकी 10 हज़ार रुपये तो उसके खाना पीने के लागे कमरे पर रहने के लागे 10 हज़ार रुपया हम ला ले उस ले 300 रुपये झाड़ी कड़िया ही कर ले रहता है। इस बात की सुनाई होगी भाई, हाँ जी इस बात की जो सब चीज़ होगी जी भाई, फिलहाल बातचीत आपकी करवा दी और एक बात कहा कर रहा हूँ कि भाई जनता बोलेगी सबकी पोल खोल लेगी, जनता ने जो अपने मन की भाप थी वो आपने सुना दी है, आपका क्या कुछ मानना है कमेंट करके बता दियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ, जय हिंद जय भारत।